सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ वृंदावन पहुंचे, जहां अखिलेश ने पत्नी डिंपल और बच्चों के साथ बांके बिहारी मंदिर में जाकर दर्शन किए। वहीं मंदिर के बाहर आते ही अखिलेश ने पीएम मोदी पर इशारों इशारों पर कटाक्ष किया। अखिलेश ने कहा कि मैं परिवार के साथ आया हूं और मैं तो यही चाहता हूं कि सभी लोग अपने परिवार के साथ आएं। मैं तो चाहता हूं परिवार के साथ सब लोग आएं, अकेला कोई ना आए, जो आप मुझसे उम्मीद करते हो। और लोगों से भी कहिए कि परिवार के साथ आया करें तो अच्छी बात है। सरकारी बंगले में तोड़फोड़ के आरोपों पर अखिलेश ने अधिकारियों को घेरा। अखिलेश ने कहा कि अधिकारी ये ना भूलें कि सरकारें आती जाती रहती हैं। और मैं राज संपत्ति अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि मेरा कमरा जरूर दिखाएं और मेरा जो मंदिर था वो दिखाएं। और मैं कह सकता हूँ कि मंदिर है वहाँ, हमारा कमरा दिखाएं और अगर ज़रूरत पड़े तो हमारी बाथरूम भी दिखाएं, क्योंकि स्वच्छ भारत बिना बाथरूम के नहीं हो सकता। इसलिए ये जो अधिकारी कर रहे हैं, ये जो अधिकारी कर रहे हैं, ये जान लें सरकार तो आती जाती रहती हैं। हमने कई अधिकारियों को देखा है कप उठाते हुए, प्लेट उठाते हुए। ये वही अधिकारी है जो करवा रहा है, जो किसी जमाने में हमारे सामने प्लेट और कटोरी उठाते थे। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बदनाम करना सीखना है तो बीजेपी से सीखें। बीजेपी वाले बहुत होशियार हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। आपको जाना चाहिए और कम से कम हमारा कमरा दिखाना चाहिए, बच्चों के कमरे दिखाने चाहिए और जो मंदिर, जो बाथरूम जो है, सब कुछ दिखाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा सरकार से कि कम से कम वो सरकार वो बताए कि उनका कौन सा सामान टूट गया है, कौन सा सामान चला गया है। स्विमिंग पूल पटवा दिया गया है, उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। इसका झूठ का सहारा ना लें आप लोग, आपका चैनल बड़ा है, आपको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि आपके लोग भी पहुँचें और किसी को बदनाम करने के लिए अगर कोई सीखना है तो बीजेपी से सीखो। बीजेपी वाले बहुत होशियार हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, वो भगवान देख रहे हैं। अखिलेश साथ ही बीजेपी सरकार पर पिछली सरकार में शुरू किए कामों पर रोक लगाने का आरोप लगाया। अब देखना ये होगा कि अखिलेश के इन आरोपों पर बीजेपी किस तरह पलटवार करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।